ओम शांति। आज 1 मार्च 2015 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 5 फरवरी 1979 के महावाक्य हैं। मधुबन निवासियों के साथ बाप दादा की रूह रिहान आज विशेष यादगार भूमि, जिसकी महिमा आज भी भक्त लोग कर रहे हैं, ऐसे महान भूमि व महान तीर्थ स्थान पर रहने वाले विशेष भाग्यशाली आत्माओं से मिलने आए हैं। जैसे भूमि समर्थ है, जिस भूमि में आने से अनेक आत्माओं का व्यर्थ समाप्त हो जाता है, सब समर्थ बन जाते हैं, अनेक प्रकार के अनुभवों का खजाना सहज प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी भूमि जिस द्वारा जो वरदान चाहे, वह वरदान याद और भूमि के आधार से सहज ही पा सकते हैं। तो ऐसी भूमि के निवासी स्वयं क्या होंगे? भक्त लोग इस दिव्य भूमि के व श्रेष्ठ स्थान के दर्शन के लिए अब तक भी तड़पते रहते हैं। ऐसे भूमि पर रहने वाले दर्शनीय मूरत हैं। जिस स्थान का महत्व है, ऐसे ही स्थिति भी रहती है, व स्थिति से स्थान की महिमा ज्यादा है। दूर रहने वाले सिर्फ मधुबन की स्मृति से ही समर्थ बन जाते हैं, तो मधुबन निवासी क्या होंगे? जैसा महत्व है, वैसे ही महान है। मधुबन स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियों का भंडारा है, तो उसी अनुसार सभी अपनी स्पीड और स्टेज श्रेष्ठ समझते हो। मधुबन निवासियों को जो साधन है, संग है, भूमि के महत्व का सहयोग है, वायुमंडल का सहज साधन है, उसी प्रमाण सिद्धि स्वरूप हो। वर्ष बीते, यह वर्ष भी बीत गया, नया वर्ष चालू हो गया, इसका भी 1 मास पूरा हो गया। 1 मास की रिजल्ट में भी अनुभव क्या रहा? चढ़ती कला का अनुभव रहा, हर कदम जमा करने वाला अर्थात समर्थ रहा। स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति विघ्न विनाशक रहे। जबकि समय समीप आ रहा है, तो चारों ही सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए। जैसे सेवा के लिए सभी के मुख से एक ही आवाज निकलता है कि सेवाधारी बहुत अच्छे हैं, वैसे ही ज्ञान योग और धारणा युक्त भी हों। जैसे टोटल वायुमंडल में स्वर्ग का अनुभव करते हैं, वैसे व्यक्तिगत भी स्वर्ग वाले अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करें। चलते फिरते एक दो को फरिश्ता नजर आए। अच्छा, सेवाओं प्रति इशारे। इस वर्ष सभी वर्ग वालों को संपर्क में लाओ, ऐसे संपर्क में हों जो अपनी अथॉरिटी से
इशारा मिलते ही सब कार्य संपन्न कर दें। समय पर संपर्क करते हो, बाद में संपर्क हल्का हो जाता है। अभी संपर्क बढ़ाओ। जैसे शुरू में लक्ष्य रहता था कि हर एक का भाग्य जरूर बनाना है, वैसे अब लक्ष्य हो कि हर वर्ग की आत्माओं को संपर्क में लाकर विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाकर सहयोग ले। अभी सभी स्थानों पर मध्यम क्वालिटी है, लेकिन आखिरीन तो सब तक पहुंचना है। ऐसी विशेष आत्मा निकले जो एक द्वारा अनेकों को संदेश प्राप्त हो जाए, उमंग उत्साह पैदा हो जाए, तब तो क्यों लगेगी। इस वर्ष यह क्वालिटी की सर्विस होनी चाहिए। विश्व पिता का टाइटल है तो विश्व में तो वैरायटी चाहिए ना। नास्तिक भी हों तो भी संपर्क में जरूर आए। नई विश्व की स्थापना के लिए, नई विश्व की स्थापना के लिए सब प्रकार के बीज चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। धर्म राज्य के नेताएं भी इतना जरूर माने कि इन्हों का परिवर्तन और जो विधि है वह बहुत अच्छी है। धर्म नेताएं भी ऐसे अनुभवकार सहयोग में आएंगे। अच्छा, टीचर्स के साथ मुलाकात। सभी टीचर्स विशेष सेवाधारी अर्थात बाप को अपनी वाणी द्वारा और कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करने वाली होना। प्रत्यक्ष करना ही विशेष सेवाधारियों का कर्तव्य है। अब तक जो किया वह यथाशक्ति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत अच्छा किया, लेकिन अब तक रिजल्ट में आत्माओं को यह अनुभव कि यह महान आत्माएं हैं, महान जीवन वाली हैं, यह अनुभव कोई कोई आत्माओं ने किया और वर्णन भी करते हैं। लेकिन अब बाकी क्या रहा? बाप ने जीवन बनाकर बच्चों को आगे किया, जो जीवन की महिमा करते रहते। लेकिन अब बच्चों का कर्तव्य क्या है? जो बाप बैकबोन है, गुप्त रूप में पाठ बजा रहे हैं, बाप को प्रत्यक्ष करना है। सुनाने वालों को पहचानते हैं, लेकिन बनाने वाला अभी भी गुप्त है। तो अब बनाने वाले को प्रत्यक्ष करना अर्थात विजय का झंडा लहराना है। विशेष जिस समय स्टेज पर आते हो, उस समय स्वयं भी बाप के स्नेह और प्राप्ति में लवलीन स्वरूप हो। जैसे लौकिक रीति से भी कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है, तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट्स दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो, लेकिन स्नेह और प्राप्ति का
संपन्न स्वरूप हो, अथॉरिटी हो, जिस चीज की अथॉरिटी होती है उनको सोचना नहीं पड़ता है, सोचा हुआ ही होता है। स्टेज पर आने के पहले मनन करके बुद्धि में पहले से ही टॉपिक का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। उस समय इस अटेंशन में नहीं रहना चाहिए। टॉपिक तैयार होगी तो टॉपिक की भी अथॉरिटी हो बोलेंगे, पॉइंट्स को ही सोचते रहेंगे तो अथॉरिटी अनुभव नहीं होगी। पहले स्नेह और प्राप्ति स्वरूप हो, दूसरा जब बोलना शुरू करते हो तो एक अंदर की अथॉरिटी और बोल में पहले दिल की आवाज से बाप की महिमा हो। जैसे दिन है शिवरात्रि का, तो शिवरात्रि अर्थात बाप को प्रत्यक्ष करने का दिन, इसी को ही परमात्मा बॉम्ब कहा जाता। जो अंदर में समाया हुआ है वह लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई दे, यह है बॉम्ब का फटना। जैसे बॉम्ब फटता है तो क्या करता है, सबको अग्नि में जला देता है। तो यह परमात्मा बॉम्ब अर्थात स्नेह का बॉम्ब, संबंध जोड़ने का बॉम्ब, दिल के आवाज से महिमा करने का बॉम्ब, लगन में मगन की आग में सभी को हिला दे। जब बॉम्ब फटता है तो सब हिल जाते हैं ना, तो सबकी बुद्धि को हिलावे, यह किसकी महिमा है, यह किसकी अथॉरिटी से बोल रहे हैं, यह क्या और किसका संदेश दे रहे हैं। अथॉरिटी भी हो, मधुरता भी हो, शब्दों की मधुरता हो लेकिन अंदर समाई हुई अथॉरिटी हो, शब्द भी रहम दिल की भावना के हो, स्पष्ट भी करते रहें लेकिन स्पष्ट करते हुए बाप की महिमा करते हुए संबंध भी जोड़ते जाएं। हम यह क्यों कहते, इससे क्या प्राप्ति होगी, हम लोगों का अनुभव क्या है, एक घड़ी की भी प्राप्ति क्या है। ऐसे बीच बीच में निजी अनुभव का आवाज निकले, सिर्फ भाषण नहीं लगे, लगन में मगन मूरत अनुभव हो, यह नवीनता है। लोग कहते हैं लेकिन स्वरूप नहीं बनते, आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो, स्पष्ट भी हो, स्नेह भी हो, नम्रता भी, मधुरता भी और महानता भी हो, सत्यता भी हो लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है, निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है, और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ, इसको कहा जाता है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। जैसे झूठे शास्त्रों की अथॉरिटी वाले भी कितनी अथॉरिटी से बोलते हैं, जो बिल्कुल असत्य बात उसको कैसे सिद्ध कर बताते हैं। न सिर्फ सिद्ध करते हैं लेकिन मनवाते भी हैं। सतवचन महाराज
कहलवाते भी हैं, जब वह झूठ की अथॉरिटी वाले भी इतना प्रभाव डाल सकते, यह तो अनुभव के बोल है, प्राप्ति स्वरूप के बोल है। बाप से संबंध है, उसकी बातें हैं, तो क्यों नहीं कहलवाएंगे व मनवाएंगे। तो अब समझा क्या करना है, परिचय को पूरा स्पष्ट करना है। एक पॉइंट सुनाकर बाप के तरफ अटेंशन खिंचवाओ, सारी पॉइंट्स बोलकर बाप की महिमा के बोल बोल करके बाप तरफ अटेंशन खिंचवाओ। बार बार पत्थर पर स्नेह का पानी डालते जाओ, तब यह पत्थर पानी होगा। और जितना हो सके साइलेंस का प्रभाव हो, रूप रेखा ही अलौकिक हो, सिंपल स्वच्छ रूहानियत व प्योरिटी के वाइब्रेशन हो। सुनने वाली जो सहयोगी ब्राह्मण आत्माएं होती, उन्हों में भी वायुमंडल को बनाने का संकल्प हो। जैसे अगरबत्ती वायुमंडल को परिवर्तन कर देती, वैसे सब ब्राह्मण आत्माओं की वृत्ति, रहम की वृत्ति अगरबत्ती का काम करे, जो आने से ही उनको महसूस हो यह सभा कोई अलौकिक सभा है। अच्छा, स्नेह मिलन से स्नेह की झोली भर कर जाएंगे और फिर सबको स्नेह बांट देंगे। बाप का स्नेह ऐसा स्नेह स्वरूप हो जाएंगे जो सबको आपके चित्र चलन से बाप का स्नेह नजर आए। ऐसा मिलन मना रहे हो ना, स्नेह मिलन अर्थात दृढ़ संकल्प द्वारा स्व परिवर्तन और सबके परिवर्तन के सहयोगी बनना, यह है स्नेह मिलन की विशेषता। स्नेह मिलन अर्थात प्रैक्टिकल संस्कार मिलन, जैसे मिलन में हाथ मिलाते हैं ना, यह मिलन है संस्कार मिलन। अगर सबके संस्कार मिलकर बाप समान हो जाएं, एक ही सबके संस्कार हो जाएं, तो क्या होगा? एक राज्य एक धर्म वाली दुनिया आ जाएगी। यहाँ एक होना ही एक धर्म एक राज्य की दुनिया को लाने का आधार बनेगी। स्नेह मिलन अर्थात कंप्लेन खत्म और कंप्लीट होकर जाए, उल्हाने खत्म उल्लास में आ जाए, यह है स्नेह मिलन। विदेशी भाई बहनों से मुलाकात, बाप दादा सभी लवलीन रहने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। जो सदा लवलीन रहते उसकी निशानी क्या होती? लवलीन आत्मा को याद में रहने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन स्वतः योगी होगा। सेवाए बाप और सेवा के कुछ दिखाई नहीं देगा। जब बुद्धि को एक ही ठिकाना मिल जाता, तो बुद्धि का भटकना स्वतः ही बंद हो जाता। लवलीन आत्मा सर्व प्राप्तियों में रहे, औरों को प्राप्ति कराने में
तत्पर होगी, इसलिए सदा माया जीत होगी। लवलीन रहने वाले हो या मेहनत करने वाले हो, विदेश में रहने वाली आत्माओं को विशेष विदेश की सेवार्थ योगी जीवन का अनुभव सेवा में सफलता मूरत बना सकता है। जितना जितना अपनी स्टेज को पावरफुल बनाएंगे, पावरफुल अर्थात सर्व प्राप्ति के अनुभवी मूरत, तब सफलता मूरत होंगे। क्योंकि दिन प्रतिदिन वैरायटी प्रकार की इच्छा वाली आत्माएं आपके सामने आएंगी, तो सर्व इच्छाओं को पूर्ण करने वाले तब बन सकेंगे जब सर्व प्राप्ति के अनुभवी स्वरूप होंगे। आपको सभी ढूंढने आएंगे कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। जब अपने पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा, तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में रिवाज है, एक ही स्टोर में सब चीजें मिल जाती है, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे भी नहीं कि सहन शक्ति हो लेकिन सामना करने की शक्ति नहीं। सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूरत बन सकेंगे। अभी विदेश में मनसा सेवा का वातावरण और भी पावरफुल बनाओ, क्योंकि वहां की वैरायटी आत्माएं वायुमंडल से प्रभावित होंगी। पहले वाइब्रेशन उन्हों को खींचेगा, फिर नॉलेज सुन सकेंगे। मनसा सेवा करने के लिए सदा एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। व्यर्थ समाप्त हो तब मनसा सेवा कर सकेंगे। मधुबन से मनसा पावरफुल सर्विस का अनुभव करके और वहां के लिए अभ्यासी बनकर जाओ। जो भी देखे वह अनुभव करे कि यह शक्तियों की खान आए हुए हैं। जो शक्तियां अनुभव में आ गईं, तो अनुभव सदाकाल जीवन का अंग होता है। ज्यादा से ज्यादा अनुभवों की खान बनकर जा रहे हैं। जैसे बाप परफेक्ट है, तो बच्चे भी बाप समान, कोई डिफेक्ट ना हो। अच्छा, सेवाधारी ग्रुप से, सेवाधारी अर्थात बाप समान, क्योंकि बाप भी सेवाधारी बनकर आते हैं। बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक। जैसे बाप विश्व सेवाधारी है, वैसे आप सब भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हो, लेकिन मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहते। तन मन दोनों में सेवाधारी, एक ही समय पर दोनों ही इकट्ठी सेवा करते हो। ऐसे नहीं तन की सेवा करते तो मन की नहीं कर सकते। दोनों ही एक समय पर करने से डबल प्राप्ति होगी। डबल सेवाधारी ही डबल ताजधारी बनते हैं। अगर सिंगल सेवा करेंगे तो डबल ताज नहीं मिलेगा।
कर्म करते हुए चेक करो, डबल सेवा के बदले सिंगल तो नहीं हो गई। अटेंशन रखते रखते संस्कार बन जाएंगे, जो मनसा और कर्मणा दोनों सेवा साथ साथ करते हैं, तो देखने वाले को अनुभव होगा कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। लोग स्वतः ही आपके पीछे होंगे। इसी अभ्यास को आगे बढ़ाओ, इतना अभ्यास बढ़ाओ जो नेचुरल और निरंतर हो जाए। अच्छा वरदान है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भवा। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो। क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है, इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। ओम शांति।